गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 2 यूनिट 2 पार्ट 1 क्लास का परिणाम। ज्योग्राफी के पहले पार्ट में जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन संरचना को इनके विषय में हम जान चुके थे। अब हमारा लेसन 2 आता है प्रवास का उदाहरण और परिणाम। तो सबसे पहले हम प्रवास के बारे में जानेंगे कि प्रवास होता क्या है। प्रवास का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे वो हमारा जन्म का स्थान हो या फिर हम कहीं पे रोजगार कर रहे हैं या कुछ भी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रवृत्ति को ही प्रवास कहते हैं। सरल शब्दों में प्रवास का अर्थ अगर हम जाने तो जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। अर्थात किसी एक स्थान से जनसंख्या के दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। कुछ प्रवास स्थायी तथा कुछ अस्थायी होते हैं। स्थायी प्रवास में व्यक्ति मूल स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से रहने लगता है, जबकि अस्थायी प्रवास में मौसमी, वार्षिक तथा दैनिक प्रवास भी हो सकते हैं। कहने का भाव यह है कि जो हमारा प्रवास होता है वो तो या तो स्थायी होगा या अस्थायी होगा, कि एक ही स्थान पर बसे रहना, और अस्थायी का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या चाहे वो दैनिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है और साप्ताहिक भी हो सकता है। तो वो होता है अस्थायी प्रवास। नेक्स्ट आता है प्रवास के कारण, कि हम भाई प्रवास करते किस कारण से हैं। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत कारण प्रवास का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है आपका कारण, प्राकृतिक कारण। यानी कहने का भाव यह है कि अगर कोई आपदा आ जाए या संकट आ जाए, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा इत्यादि प्राकृतिक घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो वहां से प्रवास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जीवन जीने के लिए न हमें भूमि प्राप्त होगी, न अच्छे से जल प्राप्त होगा साफ, तो इसलिए वहां से लोग प्रवास करके दूसरे स्थान पर रहने लगते हैं। तो ये आपका सबसे पहला कारण है, प्राकृतिक कारण। नेक्स्ट आता है आपका मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण के बारे में एक हल्का सा टिप्पणी मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक कारणों में जलवायु का प्रभाव सबसे अधिक रहा है। प्रवास अनुकूल जलवायु के क्षेत्रों की ओर होता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा अकाल आदि प्रवास के कारण जलवायु ही की ही देन है। कठोर शीतकाल में टुंड्रा से जनसंख्या दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म में उत्तर की ओर प्रवास करती है। इसी तरह नदियों में बाढ़ों के कारण प्रभावित लोग अन्य भागों में प्रवास करते हैं। दूसरी ओर निर्मित उपजाऊ मैदान तथा जल सुविधा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार बार बार विनाशकारी भूकंप तथा ज्वालामुखी के कारण जीवन असुरक्षित हो जाता है तथा जनसंख्या सुरक्षित स्थानों की ओर प्रवास करती है। नेक्स्ट है मानवीय कारण। स्थानांतरण अथवा प्रवास प्रक्रिया में प्राकृतिक कारणों की अपेक्षा मानवीय कारण अधिक महत्वपूर्ण तथा प्रभावी होते हैं। इन कारणों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक तथा व्यक्तिगत कारण मुख्य होते हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारण। मानवीय समाज को सामाजिक दशाएं सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। इसके अंतर्गत सामाजिक रीति रिवाज, खान पान, शिक्षा दीक्षा, मेल मिलाप, सामाजिक क्रियाशीलता व व्यवहार, त्योहार आदि अंतःक्रियाएं होती हैं। वे अंतःक्रियाएं ही सामाजिक प्रवास के कारण हैं। विवाह में से स्त्री प्रवास, भारत पाक विभाजन के दौरान हिंदू और मुसलमानों का स्थानांतरण आदि, ये आप सभी के सामाजिक प्रवास थे, सामाजिक कारण थे। इसके बाद आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण अधिकांश प्रवासों के प्रेरक कारण रहे हैं। पूंजी निवेश, व्यापार, उतार चढ़ाव, लाभ की आशा, रोजगार के अवसर, अधिक वेतन का लाभ, कृषि घाटा, बेरोजगारी, कार्य दक्षता आदि असंख्य कारण प्रवास की मात्रा व दर का निर्णय करते हैं। कृषि क्षेत्रों में उपलब्ध अतिरिक्त
श्रमिक उद्योगों में काम करने के लिए नगरों की ओर प्रवास करते हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र, राजस्थान के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश का बस्तर तथा सरगुजा क्षेत्रों में उत्तम कृषि भूमि की उपलब्धि के कारण प्रवास हुए हैं। भारत के औद्योगिक नगरों जैसे कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, टाटानगर, भिलाई आदि नगरों में भारी प्रवास हुए हैं। किस कारण से हुआ है? क्योंकि वो औद्योगिक है, वहाँ पर रोजगार के अवसर अधिक प्रदान होते हैं, इसलिए लोग रोजगार से आकर्षित होकर अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर रोजगार की तलाश में बसते हैं। नेक्स्ट आता है आपका राजनीतिक कारण। युद्ध के पश्चात विजेता का भूमि पर कब्जा करके वहां बस जाना भारत में आए आर्यों, मुगलों, अंग्रेजों का आगमन तथा यहां आकर बस जाना राजनीतिक प्रवास है। अंग्रेजों ने भारत में मॉरिशियस, फिजी, पूर्वी अफ्रीका के गन्ने की खेती के लिए बलपूर्वक जनसंख्या का प्रवास किया। आज चकमा शरणार्थियों, कश्मीरी पंडितों का शरणार्थियों के रूप में प्रवास राजनीतिक कारणों से है। कहने का भाव यह है कि जो भी प्रवास हो रहा है वो हमारे राजनीतिक कारणों से हो रहा है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक आदान प्रदान शिक्षा प्राप्ति के लिए विद्यार्थी, डॉक्टर, शिक्षकों का दूसरे स्थान में प्रवास, पर्यटक, कलाकार, राजनीतिज्ञ आदि का अल्पकालीन अथवा स्थायी प्रवास सांस्कृतिक कारणों से है। कहने का भाव यह है कि जहाँ पर लोग अधिक होंगे वहाँ पर जनसंख्या अपने रीति रिवाज, अपने समाज के साथ ज्यादा रहना पसंद करेगी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रवास होता क्या है, प्रवास के कारण क्या है। नेक्स्ट आता है सामाजिक तनाव के परिणाम। कहने का भाव यह है कि जो प्रवास होता है उसका सामाजिक और जनसांख्यिकीय परिणाम क्या निकलते हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक परिणाम बताएंगे। प्रवासी सामाजिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई प्रौद्योगिकी, परिणाम नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पहुंचना भी इन्हीं के माध्यम से होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतः मिश्रण होता है। इसके द्वारा संकीर्ण विचारों को दूर करने में योगदान मिलता है और साथ साथ सामाजिक परिणाम के नकारात्मक पक्ष भी होते हैं जो लोगों में सामाजिक द्वेष व हीनता की भावना भर देते हैं। इसके द्वारा संकीर्ण विचारों को दूर करने में योगदान मिलता है और नए विचारों के विकास में सकारात्मक योगदान मिलता है। कहने का भाव यह है कि जो प्रवास होता है उससे हमें नए क्षेत्र में रहने योग्य अलग अलग समाजों के साथ अपना जीवन यापन करने का लाभ मिलता है और उनसे हम कुछ ना कुछ प्रवास के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट आता है जनसांख्यिकीय परिणाम। कहने का भाव यह है कि प्रवास से देश की जनसंख्या का पूर्ण वितरण होता है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण ग्रामीण नगरीय प्रवास है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला कुशल एवं दक्ष लोगों का बल प्रवास ग्रामीण जनसांख्यिकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास से ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है, ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। कहने का भाव यह है कि कहीं पर जनसंख्या अधिक निवास करती है, कहीं पर कम करती है। तो जहां पर कम निवास कर रही है वहां पर क्या कारण है लोगों का कम बसने का, और जनसंख्या परिणाम यानी जहां पर जनसंख्या अधिक निवास कर रही है वहां पर जनसंख्या के अधिक निवास करने का क्या कारण है, यही है हमारे जनसंख्या परिणाम। तो आज के लिए हमने प्रवास कारण सामाजिक जनसंख्या परिणाम के बारे में अध्ययन किया। अगर इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।